तो कोरोना काल में पिछले 6 महीने से घर बैठे बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, इस बात पर सरकार का फोकस नहीं है। कोरोना काल में फीस वसूली के मुद्दे पर आमने सामने आए अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाएं, इस बात पर भी सरकार का फोकस नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार का ध्यान इस बात पर है कि स्कूली बच्चों की पोशाक कैसे बदली जाए, बिना स्कूल खुले ही घर बैठे बच्चों को कौन से रंग की पोशाक पहनाई जाए। तभी तो नियमों को ताक पर रखकर सरकार ने सरकारी स्कूलों में पोशाक बदलने की तैयारी कर ली है। चिंता की बात यह है कि सरकार के इस फैसले से 75 लाख बच्चों के अभिभावकों पर 470 करोड़ का भार आएगा, लेकिन कथित जनहितेशी सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। आखिर क्यों, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल में बच्चों की पोशाक बदलने पर बड़ा सवाल। निजी स्कूल 5 साल तक नहीं बदल सकते पोशाक, सरकारी में 3 साल में ही बदलने की तैयारी। 75 लाख बच्चों के अभिभावकों पर आएगा 470 करोड़ का भार। क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है पोशाक का बदला जाना? क्यों बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ाने पर फोकस नहीं कर रही सरकार? राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पोशाक 3 साल बाद ही फिर बदली जा रही है। इससे 75 लाख बच्चों के अभिभावकों पर लगभग 470 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। कोरोना काल में आर्थिक संकट के बीच पोशाक बदलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय बैठक में सरकारी स्कूलों में बच्चों की पोशाक बदलने का फैसला हुआ था। साल से बच्चों को चूंकि काफी समय भी हो गया और ड्रेस की डिमांड भी चेंज की आ रही है, तो इसके ऊपर भी विभाग के अधिकारियों को अपने मत के सहित पत्रावली भेजने के लिए कहा है। तो मैं समझता हूँ इस बारे में भी हम बच्चों को सस्पेंस में नहीं रखना चाहते हैं, तो 7 दिन में 10 दिन में इस बात का फैसला भी हम लोग करेंगे। निजी स्कूलों के लिए तो सरकार ने कड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की पोशाक बदलने के संबंध में कोई कायदे तय नहीं है। 3 साल पहले भाजपा सरकार के दौरान पोशाक बदली गई थी, लेकिन सरकार इसे फिर बदल रही है। जबकि यूनिफॉर्म बदलने के लिए 1 साल पहले अभिभावकों को सूचना देना जरूरी होता है। पिछले सत्र के हिसाब से राज्य के सरकारी स्कूलों में 41 लाख से ज्यादा बेटियां पढ़ रही है। स्कूल ड्रेस से जुड़े कारोबारियों की माने तो बेटों के मुकाबले बेटियों की औसत गुणवत्ता की यूनिफॉर्म 30 से 50 रुपए तक महंगी पड़ती है। विद्यार्थियों को सर्दियों के लिए गर्म कपड़े भी लेने होंगे। सरकार की इस मंशा के बाद सवाल ये कि कपड़ा कैसे बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, अभी परसों आपका एक पत्रिका के माध्यम से हमको फैसला का जानकारी हुआ है, जिसमें आपने सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म का रंग बदलने की बात कही है और इसे शीघ्र करने के बारे में आपने बयान जारी किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कपड़ा उत्पादक, गारमेंट उत्पादक और दोनों होलसेलर्स और सभी रिटेलर्स हर स्टेज पे यूनिफॉर्म कपड़े की तैयारी जनवरी से ही शुरू हो गई थी और मार्च अप्रैल तक पूरी हो गई थी। सभी के पास में कपड़े का भरपूर स्टॉक है। अभी कोरोना काल में वैसे ही मंदी का दौर चल रहा है, स्कूलें बंद है, काम नहीं है और ऊपर से यदि ये यूनिफॉर्म बदल गई तो हम लोग के पास रखा हुआ कपड़ा किसी भी काम का नहीं रहेगा और कपड़ा उद्योग बहुत बड़ी एक परेशानी में आ जाएगा। कोरोना काल में हम लोग वैसे ही कोरोना की मार से जूझ रहे हैं, इसमें ये ऊपर से एक और भार बढ़ गया है, इससे बच्चों को और अभिभावकों को काफी परेशानी होगी। आपका मानते सरकार को ड्रेस चेंज नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही जनता पे भार बहुत ज्यादा है। 3 महीने तक कपड़ा कारखाने बंद रहे कोरोना के कारण, अब त्योहारों के लिए बन रहे फैंसी कपड़े। 75 लाख बच्चों के लिए
3 करोड़ मीटर कपड़ा चाहिए होगा। 6 महीने तो कम से कम इतना कपड़ा बनाने में लगेंगे। अब अभिभावकों पर आने वाले आर्थिक भार पर भी नजर डालें तो 75 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है राज्य के सरकारी स्कूलों में। 41 लाख छात्राएं और 34 लाख छात्र हैं इनमें। 650 रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा एक बेटी पर। 266 करोड़ 50 लाख का भार आएगा 41 लाख बेटियों पर। 600 रुपए का आर्थिक भार एक छात्र पर। 34 लाख छात्रों पर पड़ेगा 204 करोड़ का आर्थिक भार। 470 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा अभिभावकों पर। हालांकि पत्रिका की खबर का बड़ा असर हुआ है। पत्रिका में खबर चलने के बाद अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले भी स्कूलों की ड्रेस बदली गई है, यदि किसी की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे उस साल पुरानी ड्रेस पर ही विचार किया जाएगा। भले ही शिक्षा मंत्री अब ये बात कह रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में जब प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, ऐसे वक्त में सरकार की पोशाक बदलने की मंशा कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस फैसले पर अभिभावकों का क्या रुख रहता है, और देखना ये भी होगा कि सरकारी स्कूलों में ड्रेस बदलने के मुद्दे पर अब तक चुप बैठे विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या गेम प्लान रहेगा। राजस्थान सरकार एक बार फिर स्कूलों की ड्रेस बदलने की कवायद कर रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में निर्देश जारी किए थे कि स्कूलों की यूनिफॉर्म बदलने के लिए अपने कमेटी लाए थे। 3 साल पहले राजस्थान में ड्रेस बदली गई थी और फिर बदलने से एक बार विरोध के स्वर उठने लगे हैं। प्रदेश में पढ़ने वाले 75 लाख बच्चों के परिवार पर करीब 470 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। तो कोरोना के समय एक तरफ सरकार, आम आदमी और व्यापारी आर्थिक दृष्टि से टूटे हुए हैं, वहीं आर्थिक भार आने से एक बार फिर लोग सकते में हैं। सरकारी स्कूलों में अक्सर मध्यम वर्गीय व निम्न आय वर्गीय लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में उन पर इस तरह का भार आना एक चिंताजनक है। ऐसे में लोगों का मानना है कि सरकार को अगर ड्रेस बदलनी है तो 1 साल बाद बदले तो ज़्यादा ठीक है। वैसे भी निजी स्कूलों पर ड्रेस बदलने के लिए 5 साल का नियम लागू है और सरकारी स्कूल की ड्रेस 3rd साल ही बदला जाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। योगेश पारी, राजस्थान पत्रिका, फतेहपुर।